नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। आज मैं आपके साथ टमाटर सूप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। होटल जैसा टमाटर सूप कैसे बनता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने यहाँ टमाटर लिए हैं, ये देसी टमाटर है। टमाटर को अच्छे से वॉश कर लिया है। हम यहाँ धनिया का भी यूज़ करेंगे। एक गाजर लिया है मैंने और एक लिया है मिर्च। थोड़ी सी मैंने यहाँ लहसुन की कलियाँ भी ली है। तो यहाँ पे हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे टमाटर सूप बनाने के लिए। तो पहले हम काट लेंगे टमाटर को। टमाटर आप जैसे भी चाहे काट सकते हैं, क्योंकि बॉईल होने पर ये तुरंत ही गल जाते हैं। तो कोई भी शेप में आप इसे काट लीजिए, जैसा छोटा बड़ा। तो यहाँ पे सभी को अच्छे से हम काट लेंगे। सभी टमाटर को मैंने यहाँ पे काट लिया है, आप देख सकते हैं। कटे हुए सभी टमाटर जाएंगे अब कुकर में, और उसमें हम डाल देंगे कटा हुआ गाजर। हमने जो धनिया पत्ता लिया था, उसका जो डंठल का पार्ट था, वो हम इसमें डाल देंगे। धनिया का जो डंठल है, वो हमारे टमाटर सूप को एकदम अलग सा फ्लेवर देगा। तो ये हमने इंग्रेडिएंट सभी इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी डालकर कुकर को कर देंगे बंद और 2 सीटी तक पकने देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम मिक्सी जार में उसे डाल देंगे और उसे कर लेंगे क्रश। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी जार में चला लेंगे। तो अब हम चलाने के बाद हमारा जो सूप है, वो बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा सूप बनके तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक पैन, जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना तेल। थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड कर देंगे, जीरा तड़क जाए, फिर कटे हुए लहसुन, और फिर डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद में डाल देंगे हमारा जो टमाटर का सूप है वो। यहाँ पे मैंने टमाटर सूप को छाना नहीं है, क्योंकि उसके छिलके भी अच्छी तरह से क्रश हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ा सा तीखापन आ जाए, इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च पाउडर। आप अपने हिसाब से काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे। जैसे जैसे ये उबलेगा, वैसे वैसे ये गाढ़ा होता चले जाएगा और इसका कलर भी एकदम लाल आ जाएगा। उबलने के बाद सूप का कलर भी लाल हो चुका है, सादा और एकदम गाढ़ा भी हो चुका है टमाटर सूप। तो टमाटर सूप बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। विंटर के सीज़न में टमाटर सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो अब हम बोल में डाल देंगे सूप के ऊपर थोड़ी सी क्रीम और थोड़ा सा धनिया गार्निश कर लेंगे। तो सूप बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरे सूप की रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।